नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आलोक। डॉन का द एंड हो गया, लेकिन वो अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। सवाल ये कि क्या मुन्ना बजरंगी की हत्या सोची समझी सियासी साजिश थी? सवाल ये कि क्या उत्तर प्रदेश की जेलों के अंदर भी गैंगवार शुरू हो गया है? क्या यूपी की जेलें अपराधियों की ऐशगाह बन गई हैं, जहां से वो अपना साम्राज्य चलाते हैं? योगी सरकार प्रदेश में अपराधियों के ताबड़तोड़ एनकाउंटर करा रही है, इससे डरकर कई माफिया जेल में रहना सुरक्षित मान रहे थे, लेकिन मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी और बबलू श्रीवास्तव सरीखे माफियाओं की नींद जरूर उड़ गई होगी। इस हत्याकांड पर राजनीति भी जमकर हो रही है। विपक्षी पार्टियां योगी सरकार पर निशाना साध रही हैं। उनका सवाल खड़ा करना लाजमी भी है, क्योंकि जब मुन्ना की पत्नी सीमा सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पति के एनकाउंटर का अंदेशा जताया था, तो सरकार की नींद क्यों नहीं खुली उस वक्त? लेकिन इन सबसे इतर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यूपी कोका जैसे कानून और पुलिस के ऑपरेशन क्लीन के बावजूद पूर्व और पश्चिमी यूपी के माफिया गठजोड़ बनाकर काम कर रहे हैं? और क्या मुन्ना बजरंगी की हत्या से सूबे में एक बार फिर से गैंगवार की शुरुआत होने जा रही है? तो मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या के बाद से ही यूपी पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। इस मामले में क्या कुछ कहना है यूपी के डीजीपी ओपी सिंह का, आइए सुनते हैं। देखिए, पिछले 6 महीने से अपराध में निरंतर कमी आई है। आप किसी भी शीर्षक का अपराध ले लें, वो चाहे डकैती हो या मर्डर हो या बलात्कार हो या हमारा रैंसम किडनैपिंग फॉर रैंसम हो, इन सभी चीज़ों में काफ़ी गिरावट आई है। हमारे पास स्टैटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन पिछले 6 महीने का हम दे सकते हैं। जहाँ तक मुन्ना बजरंगी का सवाल है, हम लोगों ने पर्याप्त सुरक्षा दी थी। वो झांसी जेल में बंद थे और झांसी जेल से उन्हें बागपत जेल में ले जाया गया, क्योंकि उनके लिए वारंट बना हुआ था वहाँ पर एक केस के मामले में। और जब हमें न्यायिक प्रक्रिया का आदेश मिला तो हमने उनको पर्याप्त सुरक्षा दिया। उनके साथ मोबाइल स्क्वाड्स लगे, 2-2 एम्बुलेंस लगे। हमने डॉक्टर्स की भी व्यवस्था की थी कि अगर रास्ते में अगर तबीयत ख़राब होती है तो उसका भी प्रबंध किया जाए। और पूरी जर्नी में हमने इंश्योर किया, अपने सारे डिस्ट्रिक्ट्स को हमने अलर्ट कर दिया था, और हमने पूरे मोबाइल पेट्रोल्स पे जितने भी पुलिसकर्मी थे उन सबों को हमने काफ़ी ब्रीफ करके भेजा था कि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। और ये हमारी कुशलता का ही परिचायक है कि हमने उसको सकुशल पहुँचाया। जेल के अंदर एक घटना हुई जिसमें वो मुन्ना बजरंगी को मार दिया गया। हम लोगों ने तत्काल इस केस में अपनी विवेचना के दौरान न केवल उसको हिरासत में लिया, उससे पूछताछ किया जो भी अभियुक्त था, बल्कि ये भी देखा कि हमने तुरंत उसमें जितने भी हमारे जिंदा कारतूस हैं, जो भी हमारे अभियोग में प्रयुक्त जितने भी वो हैं, उन सबों को हमने वो किया, वहाँ पे गटर में डाला गया, गटर की हमने सफाई कराई। और 9 घंटे के परिश्रम के पश्चात हमने उस पिस्टल को बरामद किया जो पिस्टल इस क्राइम में प्रयुक्त हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि पुलिस की पूरी तत्परता रही है, और चाहे वो कितना भी बड़ा क्रिमिनल ही क्यों ना हो, अगर वो मारा जाता है तो ये दुख का विषय है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि पुलिस की तत्परता रही है, और कानून व्यवस्था पर हम एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आदमी कितना से बड़ा भी क्यों ना हो, लेकिन अगर कानून की परिधि में, कानून के वॉयलेशंस की परिधि में आएगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। पुलिस की कार्यप्रणाली पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा है। पुलिस ने अपना काम बहुत ही अच्छे ढंग से, प्रोफेशनल तरीके से किया है। हमने उसकी पर्याप्त सुरक्षा दी है, और जेल परिसर में मारा गया है, और उसकी विवेचना होगी, और जो भी उसमें आरोप लगाए गए हैं, उनकी पत्नी ने लगाया है, उस आरोपों की जांच होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं, मैजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश दिए गए हैं, विवेचना भी चलेगी, और जो भी इसमें सम्मिलित होगा, जो भी शामिल होगा, जो भी जिसने भी साजिश किया है, उन सबों का पर्दाफाश होगा और लोग पकड़े जाएंगे और उनको उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। तो जिसकी भी ये साजिश है उसका पर्दाफाश जल्द होगा। वहीं मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या को लेकर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने योगी सरकार को सवालों के घेरे में घेर दिया है। अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा कि आज यूपी में ना तो कानून बचा है ना व्यवस्था, हर तरफ दहशत का वातावरण है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो जेल तक में हत्याएं कर रहे हैं।
ये सरकार की विफलता है। प्रदेश की जनता इस भय के माहौल में बहुत डरी सहमी है। प्रदेश में ऐसा कुशासन व अराजकता का दौर शायद ही पहले कभी देखा हो। तो अखिलेश यादव के ट्वीट पर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने पलटवार किया, तो वहीं सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी योगी सरकार पर उन्होंने भी निशाना साधा। देखिए, अखिलेश यादव जी अच्छा करेंगे कि वो अपना आपको खुद आईने में देख लें और उनको नजर आ जाएगा कि उनकी कानून व्यवस्था क्या थी। हमारा जहां तक ये सवाल है, हम कानून व्यवस्था पे नियंत्रित कर रहे हैं, जो बिगड़ी हालत आपने दी है और उसके अंदर बहुत सुधार आ रहा है और एक के बाद एक सुधार आ रहा है। आज जो क्रिमिनल्स हैं उनको भी पता है कि सख्ती कितनी हो रही है, उनकी पैरवी अब कहीं चल नहीं रही है। पैरवी जो अखिलेश यादव जी के टाइम पे होती थी, पुलिस पे दबाव होता था, आज पुलिस के हाथ बंधे नहीं है। हम उसको सुधार की तरफ ले जा रहे हैं और सुधार आएगा, इसका हम लोग इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। 15-16 महीने में जब से भाजपा की सरकार आई है, तब से लगातार हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है, अपहरण हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, बच्चों से बलात्कार हो रहे हैं। ये नियति बन गई है उत्तर प्रदेश की। इससे बुरा दौर कभी इस राज्य का नहीं आया कानून व्यवस्था के मामले में। तो डॉन का दी एंड हो गया, लेकिन अपने पीछे तमाम सारे सवाल छोड़ गया। और ऐसे ही आज कुछ सवाल हैं जो आज हमने एक खास पैनल बुलाया, क्योंकि कल से ही लगातार डिबेट चल रही है, लेकिन आज कुछ ऐसे सवाल हैं जो लूप होल्स कहां कहां पर हैं, चूक कहां पर हुई है, क्या यह सियासी साजिश हो सकती है, इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है। ऐसे तमाम सवाल हैं जो एनालिटिकल एक खास पैनल हमने बुलाया है, जिनसे हम बहुत सारी चीजों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे, राजनीति से इतर भी। तो आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का सबसे पहले तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से हैं ब्रजेश सौरभ मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं अब्दुल हफीज गांधी जी, पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता जी हमारे साथ हैं और पूर्व एडिशनल आईजी जेल एसपी सिंह पुंडीर जी हमारे साथ हैं और लाइव टुडे के न्यूज रूम से वरिष्ठ पत्रकार नवलकांत सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सब आए हुए मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारी चीजों को आज हम जानेंगे और समझेंगे, लेकिन पहला सवाल ब्रजेश सौरभ मिश्रा जी से। सर, सवाल यही है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के आपकी पार्टी बहुत बड़े बड़े दावे करती है, बहुत बड़े बड़े वादे करती है, पर जेल में ही हत्याएं हो रही हैं, ये सवाल सीधे सीधे उठ रहा है आप लोगों पे? आलोक जी, ये प्रश्न आपने आज किया है, ये माना जा सकता है कि प्रश्न करने का अधिकार सबको है और कर रहे हैं, लेकिन जो लोग प्रश्न कर रहे हैं, क्या उन्होंने कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखा था कि उनकी भी सरकार थी और उनमें भी ऐसे ही घटनाएं घट रही थी। आज उनके द्वारा जो हमको व्यवस्था सौंपी गई थी, उस पर नियंत्रण पाने के लिए क्रमशः हमारे, सर ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, मुझे तुलना नहीं करनी है। सवाल ये कि क्या उत्तर प्रदेश की जेलों के अंदर भी गैंगवार शुरू हो गया है? आपने ये प्रश्न कहा, गैंगवार का प्रश्न नहीं है, इसके पहले भी जेलों में गैंगवार हुआ है, हत्याएं हुई हैं और राजभवन के गेट के सामने भी हत्याएं हुई हैं, माननीय विधायक की हत्या तो हुई है। क्या कॉम्पिटिशन चल रहा है क्या कि उनकी सरकार में इतना हुआ, मेरी सरकार, हम किसी से कम नहीं। आलोक जी मेरा विषय आने दीजिए। मेरा कहना है कि यह एक आपराधिक प्रवृत्ति का, ये एक दिन का कोई संक्रमण काल नहीं है, आपराधिक प्रवृत्ति सदियों से चली आ रही है और उनमें कमी लाने का दायित्व हमारी सरकार का है। और हम कह रहे हैं कि आप तुलनात्मक आप अध्ययन कर लीजिए, हमने अपराध पर नियंत्रण पाया है, अपराध की मात्रा घटी है, लेकिन अपराध को एकाएक अगर चाहिए तो शून्य कर दें, आंकड़ों की बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, अपराध को शून्य कर दें ये संभव नहीं है। लेकिन आप देखिए, एक तरफ जब अपराधियों पर हमारी सरकार शिकंजा कसती है, उनके लिए, उनके अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए कहीं ना कहीं एनकाउंटर जैसी घटनाएं घटती हैं, तो प्रश्न चिन्ह होता है, हाय तोबा मचती है, सीना जनी होती है। विपक्ष यही कहने लगता है कि ऐसे एनकाउंटर हो रहे हैं जिसमें निरपराध लोग मारे जा रहे हैं, सर्टिफिकेट देंगे और उसके बाद जब अगर कार्रवाई नहीं होगी तो होगा कि अपराध का बोल पाला है और यहाँ पर कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। चलिए अब्दुल साहब, सवाल ये कि आप लोग फिर विरोध किस बात का कर रहे हैं? देखिए, अभी हमारे साथी भाजपा से बोल रहे थे कि इन्होंने कानून व्यवस्था को थोड़ा सुधारा है। मैं इनको आंकड़े बता दूं कि आज आंकड़े ये हैं
कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है पूरी तरह से। आज 24% जो है जो अपराध हैं महिलाओं के प्रति बढ़ चुके हैं, उनका उत्पीड़न है। आज जो है पिछले 7 महीने का मैं आपको बता रहा हूँ कि 4000 रेप केसेस जो है आज रजिस्टर्ड उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुके हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। और एक और बात मैं बता दूं कि किसी भी अपराधी की जेल में हत्या का विरोध करना अपराधी का समर्थन नहीं है, ये समर्थन नहीं है। बीच में बाधा पहुंचा रहा हूं, मैंने सुनिए, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री निवास के बगल में सुना, सुनिए, आपकी सरकार में हुआ था कि हजरतगंज में एक एमएलए साहब के पूर्व एमएलए साहब का बेटा मारा हुआ। हम तो आज मुन्ना बचरंगी की बात कर रहे हैं ना, उस पर भी हम लोगों ने डिबेट रखी थी कि 5 कालिदास मार्ग पर शव मिला था, आपकी सरकार के 1 महीने बाद जी जो है हजरतगंज चौराहे पे पूर्व विधायक के बेटे को मार दिया गया था। और आज आपको मैं बता दूं कि कोई भी सरकार हो वो संविधान से चलती है। चलिए ठीक है, ठीक है, राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी बात कह ली। मैंने बीजेपी से सवाल पूछा, बीजेपी ने सपा पे डाला, अब यही इसको सियासत करेंगे। लेकिन मुझे आज सियासत नहीं चाहिए, मैं आज पहले ही कह चुका था मुझे आज एक बहुत हेल्दी डिबेट चाहिए, इसलिए दो खास मेहमानों को। सर हो गया, ठीक है, यहाँ पर आप लोग विधानसभा में भी इसी बात को चर्चा इसी बात को लेकर के चर्चा करते हैं। चलिए जी, मैं ये बता देना चाहता हूँ, चलिए, अब ठीक है, हत्या इसके पीछे ये सवाल मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए मैं अब केएल गुप्ता जी के पास आ रहा हूँ, पूर्व डीजीपी हैं, ठीक है, सर हो गया आप लोगों की राजनीतिक दलों की बातें। अब क्योंकि आज मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा था, आज मैंने खास लोगों को बुलाया जिनसे हम बहुत सारी चीजों को जानेंगे समझेंगे, क्या लूप होल से कहां पर चूक है। केएल गुप्ता साहब, सवाल ये कि क्या उत्तर प्रदेश की जेलों के अंदर भी अब गैंगवार शुरू हो गया? आपके समय जब आप अधिकारी थे, आप तमाम सारी स्थिति से अब कितनी स्थितियां भिन्न पाते हैं सर आज के परिपेक्ष में? खैर ये पिछले 15 सालों में अपराध की स्थिति 2002 के बाद से काफी कुछ डाउन हुई है। ये मतलब किसी पार्टी की तरफ आक्षेप नहीं है, जनरल है जी। और क्राइम बढ़ा है क्योंकि उसके कई कारण है, समाज में उच्छृंखलता बढ़ता, मेन चीज है सजा न मिलना। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो हमारा है, पुलिस, प्रोसिक्यूशन और जेल भी उसमें शामिल है और कोर्ट्स, ये सब बिल्कुल चरमरा के बैठ गए हैं, ये डिलीवर नहीं कर पा रहे। ये 87 से क्राइम कर रहे थे और 150 तो मर्डर केसेस हैं इन पर, क्या एक में भी सजा नहीं मिल सकती थी फांसी की सजा? अगर न सजा मिल गई होती तो ये सब गैंग बढ़ते भी नहीं, इनका मन भी नहीं बढ़ता, राइवलरी नहीं बढ़ती, इतना पैसा कमाने का और सब राजनीतिक सबको संरक्षण प्राप्त है। अब ADR की रिपोर्ट देख लो, हर पार्टी इनको मदद देती है, मनी मसल और ये सब चाहिए इनको, है ना, मैन पावर चाहिए, तो इसलिए इसमें किसी को छोड़ने को नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारा अगर सजा जैसे विदेशों में मिल जाती है, साउथ इसमें देख लो, क्या कहते हैं, मिडिल ईस्ट में देख लो, अमेरिका में साल भर में सजा मिल जाती है, यहाँ 25 साल से नहीं मिलती, बिल्कुल इसी का शायद अपराधी फायदा उठाते हैं। एक सेकंड और कहते हैं, इसलिए जो है ये अपराधियों के मन बढ़ते रहते हैं, फिर राजनीति में आते हैं, MP MLA बन रहे हैं, राजनीति टिकट भी दे रहे हैं, आप देखो हर पार्टी से हैं ये लोग। अच्छा कह रहे हैं वहाँ जौनपुर में राइवलरी, इसी बात की थी राजनीति की, अरे राइवलरी कैसे हो, उनको टिकट कौन दे रहा है इतने बड़े लोगों को, अपने आप ही टिकट ले लेते हैं इन लोगों से। 41 हत्याओं के अभियुक्त लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनकी श्रीमती जी ने स्वयं कहा, नहीं उसमें ADR में देखो सबके 30% जो है हमारे विधायकगण और हमारे जो प्रतिनिधि है वो हमारे इस तरह के क्रिमिनल वो है। अच्छा अब जहाँ जेल की बात है कि जेल में पहले भी 2-4 घटनाएं हो चुकी हैं, तो अच्छा बेचारा जेलर क्या करे या जेल का वार्डर क्या करे, या बताएंगे पुन्नीर साहब, ऐसा है वो जाते हैं माफिया पहले जेल में, कहते हैं भैया इतना 50,000 जो भी है ले लो और हमको सब चीज सुविधा करा दो, मोबाइल भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, लड़कियां भी चाहिए, खाना पीना दे दो, अगर नहीं है तो ये तो पैसा खाओ नहीं तो गोली खाओ। एक इनके सुपरिटेंडेंट को मार दिया थे राजभवन चौराहे, वो जो बेचारा सिंसियर था, नया लड़का था, उसको मार दिया, तो मारे डर के बेचारे करे क्या? जेल डिपार्टमेंट उतना स्ट्रांग नहीं है जितना पुलिस है उसके पास, उनके लड़के बच्चे हैं वार्डर्स के, वो क्या करें? तो ये सब चीजें सोचने की बात है, एक जनरल माहौल खराब है। तो बिल्कुल ये सजा मिले जैसा कि केएल गुप्ता जी ने बताया, मिल जाती तो ये सब बढ़ते नहीं कभी। केएल गुप्ता जी ने बताया। अब मैं जरा पूर्व एडिशनल IG जेल SP सिंह पुंडीर साहब के पास आ रहा हूँ। पुंडीर साहब, यूपी की जेलों की बात करें तो अपराधियों की कहीं ना कहीं ऐशगाह बनती नजर आ रही है, जहां से वो अपना साम्राज्य चलाते हैं जैसा कि सर ने कहा, लेकिन उनको पनाह कौन दे रहा है, बढ़ावा कौन दे रहा है? सवाल यह है कि एक सुई की नोक जैसी कोई चीज भी नहीं जा सकती है और कारतूस और पिस्तौल जैसी चीजें अंदर चली जाती है। सर कैसे जाती, कैसे जरा ये नेटवर्क काम करता है सर, जरा समझना चाहूंगा आपसे।
मैं आपके बारे में जेलों की स्थिति के बारे में पहले बताना चाहूंगा। बिल्कुल सर, इस समय जो जेलों की हालत है वो ये है कि न तो वहाँ पर स्टाफ पर्याप्त है, स्टाफ की शॉर्टेज है, नई जेलें खुलती जा रही हैं, और 2012 के बाद से जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं हमारे वार्डर्स मंदिर रक्षा को हेड वार्डर्स वगैरह हैं, जिस संबर की भर्ती नहीं हुई है। इस समय जो है मेरी जानकारी के अनुसार 8600 गार्ड्स होने चाहिए, उसमें से 4000 वैकेंसीज पड़ी हुई हैं। नई जेलें खुल गई हैं, वहाँ पर जो है जो स्टाफ तैनात किया जा रहा है और जेलों से बुलाकर तैनात किया गया है, बागपत जेल पर 110 सिक्योरिटी गार्ड्स होने चाहिए, वहाँ पर स्टाफ को नया तो आया नहीं कहीं से, और जेलों से लेकर के वहाँ पर तैनात कर दिया गया केवल 20% स्टाफ, 22 लोग वहाँ पर तैनाती 110 के खिलाफ। जेलें खुल गई और वहाँ पर जो है स्टाफ की तैनाती नहीं हुई। इसी प्रकार से अधिकारियों में जो डिप्टी जेलर्स हैं हमारे, उनकी संख्या 467 होनी चाहिए प्रदेश भर में, और उनकी तैनाती मेरे ख्याल से 220 के आसपास है, जहाँ तक मेरी जानकारी के अनुसार है। ये हालात जो है एक दिन में पैदा नहीं हुए हैं, ये लगातार पिछले कई सालों ड्यूरेशन हो गया, और ये जो जहाँ तक जेलों के बारे में सोच का सवाल है, चाहे किसी गवर्नमेंट का भी हो, अभी तक की जो हालत है वो मैं नहीं समझता हूँ संतोषजनक है। इधर सोच ही नहीं है कि हमको जेलों की स्टाफ की कमी हो गई। लेकिन मुन्ना बजरंगी के अगर केस में अगर बात करें तो सारी चीजें अंदर कहां से गई, सीसीटीवी भी लगा होता है, मोबाइल जैमर भी लगे होते हैं, उसके बावजूद भी ये किसकी मिलीभगत हो सकती है, लूपहोल्स कहां पर हो सकते हैं सर? वहां पर जो है बताते हैं कि उसका बैरक का सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था। हाँ, नई जेल है, स्टाफ केवल जो है मैंने बताया 110 के खिलाफ 22 सिक्योरिटी गार्ड तैनात थे, उन्हीं को आपको जो है तलाशी भी लेनी है, उनसे जेलों का रात की दिन रात की सुरक्षा भी करानी है और बाकी काम भी करना है। लेकिन इसमें जो है जब स्टाफ इतना 20% होगा तो लेग्जिटी उसमें आ जाएगी। और दूसरा ये है कि ये हथियार कहाँ से पहुँचा, इसके बारे में दो ही बात हो सकती है, या तो निग्लिजेंस हो सकता है या कॉन्स हो सकता है, दो ही बात हो सकती है। तो हथियार पहुंचा तो कहां से पहुंचा, किसने पहुंचाया? नवल जी के पास आ रहा हूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस पूरे केस को उन्होंने काफी स्टडी भी किया है और अपनी वेबसाइट पर भी लगातार वो इस बारे में लिख रहे हैं। नवल सर, मेरा सवाल आपसे यही है कि जब अपराधी जेल में बंद था तो आखिर एनकाउंटर की ऐसी जरूरत क्या पड़ गई थी? जी देखिए, जो हमारा पूरा सिस्टम है वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसकी बनती है, क्योंकि जो हमारे जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है वो लगातार ऐसे तत्वों को, ऐसे माफियाओं को सपोर्ट करता है, कहीं ना कहीं उसके पीछे वोट बैंक की राजनीति होती है। और जैसा के एल गुप्ता साहब ने बताया कि जेलों की स्थिति काफ़ी गंभीर है, वहाँ पे मैं बताऊँ आज से नहीं, एक लंबे अरसे से, दो दशक से ज़्यादा समय से, वहाँ पे अपराधियों के पास आसानी से, जब से मोबाइल आए तब से वो मोबाइल रख रहे हैं, आसानी से सब चीज़ पहुँच जाती है, हर तरह की सुविधा मिल जाती है। और जाहिर सी बात है कि जो पुलिस तंत्र, जो जेल तंत्र है, जो जेल के अधिकारी हैं, उनको वो सुरक्षा भी नहीं है कि अगर वो कदम बढ़ाते हैं सुरक्षा बढ़ाने का तो उनके ऊपर हमले हो सकते हैं। हत्या का एक उदाहरण है, यही लखनऊ में हुई थी, तो एक बहुत बड़ी समस्या है ये जी। लेकिन नवल सर, जैसा कि केएल गुप्ता सर ने भी कहा कि कहीं ना कहीं ये सब चीजें पनपती हैं, तो राजनीतिक संरक्षण जरूर है, इसी के चलते फल फूल रही है ये सब चीजें। जी हाँ बिल्कुल, हाँ, मैं तो कह रहा हूँ दो पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठे, दो चार और बुला लीजिए पॉलिटिकल पार्टी के लोग को, और वो कसम खा के कह दे कि उन्होंने कभी भी किसी विधायक को या किसी सांसद को, जो बाहुबली है वो, उसको चुनाव पे मतलब लोकसभा या विधानसभा के लिए टिकट नहीं दिया है। कोई भी ऐसा दल इससे अछूता नहीं है, सबके सब इसी राजनीति में। सर आज मैंने इसीलिए एक ऐसा हेल्दी पैनल बुलाया है कि आज राजनीतिक दलों के साथ साथ कुछ एक्सपर्ट्स को भी बुलाया और आप जैसे लोगों की राय भी हमने चाहिए। केएल गुप्ता साहब, जो जेलों की स्थिति को लेकर के बात की और राजनीतिक संरक्षण की, कोई नकारेगा भी नहीं लेकिन कोई इसमें कम नहीं है? नहीं, वही मैं कह रहा था। हाँ। इसमें हर दल जिम्मेदार है, इनको बैठ के सोचना चाहिए। मैं ये बता रहा हूँ, जैसे भी कोई माफिया इस तरह का क्रिमिनल यहाँ जेल में बंद होता है, लखनऊ में भी जाओ या कहीं भी जाइए, हमारे माननीय लोग उनसे मिलने चले जाते हैं, आउट ऑफ टर्न मिलने जाते हैं। अगर दो दिन के मिल दो आदमी मिल सकते हैं तो 10 फूल लेके आते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं। तो ये सब क्या मैसेज जाएगा इनके जेल अथॉरिटीज के पास? जेल सुपरिटेंडेंट बेचारा क्या करेगा जेलर, जब हमारे मंत्री जी जाकर के मिलकर माल फूल माला चढ़ाएंगे या कुछ करेंगे, उनको ग्लोरीफाई करेंगे क्रिमिनल को, तो बेचारा वो क्या करेगा, उसको मैसेज ही गलत जाएगा। तो एक तो कमी है, डरे हुए हैं जैसा है, सिक्योरिटी नहीं, प्लस
पॉलिटिकल संरक्षण है इन लोगों को, इनके दम पे इलेक्शन लड़ते हैं, इनको लड़वाते हैं, इनसे पैसा लेते हैं, मनी मसल पावर जैसे बताया सभी इनको मिलता है। तो राजनीतिक दल अगर छोड़ दे इनको तो दो मिनट में पुलिस और ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का इंतजाम कर दे, तो करने नहीं देते। सौरभ साहब देखिए सीधा सीधा, अगर आप लोगों अगर अपना मनोबल अगर बना ले, पूरी तरीके से दृढ़ निश्चय कर ले कि हाँ छोड़ दिया, किसी को संरक्षण नहीं देंगे, तो इस तरीके की घटनाएं हरगिज ना हो। आलोक जी मैं आपको एक अखबार सामने दिखा रहा हूँ, ये हेडलाइन बताती है कि डॉन और माफियाज को कैसे महिमा मंडन किया जाता है। ये आज ये पेज बता रहा है कि मुन्ना बजरंगी नाम का अपराधी नहीं मारा गया, ऐसे हुआ जैसे 1991 में राजीव गांधी जी की हत्या लिट्टे द्वारा कर दी गई थी, तो आधा पेज खाली रखा गया, तो आधा जो है उसमें लिखा गया था, हेडिंग थी। मैं पूछ रहा हूँ, इसमें लूपहोल सरकार की कहां कहां पर है, इस पर बात करिए। महिमा मंडन कोई नहीं कर रहा है, महिमा मंडन नहीं करेंगे तो लोग जानेंगे कैसे आगे इस तरीके के, और जेल में एनकाउंटर होंगे। मैं दो अखबार सामने रख रहा हूँ, ये तो आपने बहुत बड़ा सवाल उठा दिया मीडिया पर। इसको नेशनल राष्ट्रीय आपदा बनाने की जरूरत कहां से थी? राष्ट्रीय आपदा है ये जी। ये मुन्ना बजरंगी जैसा एक अपराधी किसी अखबार के सुर्खियों में और टॉप पेज पर आधा पेज जी, इसका मतलब है कि ऐसे अपराधी बनने के लिए हम प्रेरित करते हैं। सरकार अपनी मनमानी करती रहे। नवल कांत जी से मैं सर, मीडिया पर सीधा सीधा सवाल उठाए, नवल जी वरिष्ठ पत्रकार है सर, मीडिया पर सवाल उठ रहे, क्या मीडिया को इस पर बहस नहीं करनी चाहिए? क्या देखिए यहाँ क्या, हाँ क्या बहस नहीं करनी चाहिए? लोग जानेंगे कैसे महिमा मंडन इसको क्यों नाम दिया जा रहा है, लोग जानेंगे भी तो। वरिष्ठ पत्रकार नवल जी के पास आ रहा हूँ जरा, नवल जी क्या गलत है क्या? आलोक जी ये जो घटना छपी है ये छपी है कि एक सरकार इस प्रदेश में स्थापित है, उस सरकार की जो कानून व्यवस्था है इतनी ध्वस्त हो चुकी है कि जेल के अंदर रिवॉल्वर आ जाती है, रिवॉल्वर में रिवॉल्वर से गोली चलती है और एक माफिया मारा जाता है, ये खबर बता रही है। केवल मुन्ना बजरंगी की बात नहीं है, बात यह है कि जो कानून व्यवस्था है जेल में सुरक्षा अगर ऐसी ध्वस्त है और इतना बड़ा माफिया जिसको हाई सिक्योरिटी जोन में रखा जाता है, जिसको आशंका जताता है कि मेरी हत्या हो सकती है और उसकी हत्या हो भी जाती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। बात ये नहीं है कि कौन अपराधी मारा गया। नवल कांत जी मैं फिर आपसे एक सलाह के साथ बात कर रहा हूँ। मित्र मैं भी आज से 4 साल पहले प्रतापगढ़ में एक व्यापारियों के एक आंदोलन में मैं जेल में इसी समाजवादी सरकार में भेजा गया था, और मैं आपको बताता हूँ लक्ष्मी नारायण की कृपा कैसे होती है। वहां पर 14 लोग अन्य लोग भी अन्य जिलों के अपराधी, वहां पर भदोही बनारस और कई जिलों के अपराधी थे, संजय सिंह और ऐसे कई नामी गिरामी अपराधी, सब कैसे उनके सामान पहुंचते थे अपनी आंखों से मैंने देखा था। और जेल की बात कर रहे थे पुंडीर साहब अगर अपने आत्मा पर अपने दिल पर हाथ रख करके बात कर लें कैसी ईमानदारी जेल में होती है, तो उसका अनुमान अगर ये अलग कोने में बैठकर करेंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहुत आप दूध का दूध और पानी के पानी की बात कर रहे हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने इतना सब कुछ देखा, सब आप जान भी रहे हैं कि इतना ऐसा सिस्टम है, आपने उससे सबक क्या लिया? सबक लेते तब बेहतर होता। चलिए मैं फिलहाल अब्बास साहब से कुछ कहना चाह रहे हैं जी, अब्दुल हफीज साहब एक बात कहना चाह रहा हूँ कि मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह ने एक हफ्ता पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्हें आशंका जताई थी कि राजनीतिक और एसटीएफ द्वारा जो है इस तरह की घटना जो है वो की जा सकती है। पुलिस विभाग को भी और जेल विभाग को भी मुझे लगता है कि सतर्क रहना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है आप, और इसलिए मैं कह रहा हूँ ये राजनीतिक मर्डर है। कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि वहां का सीसीटीवी बंद है, उसके बाद 10 गोलियां मारी जाती है 52 सेकंड में, यानी कि एक पिस्तल से काम नहीं हो सकता ये, कम से कम बिल्कुल आप रिपोर्ट में जाके देखिए आप ये आंकड़े आए हैं, ये मीडिया से चले संरक्षण दिया आप ही की पार्टी ने दिया, मैं राजनीतिक बहस नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं पुंडीर साहब से कुछ चीजों को सर मैं पुंडीर साहब से देखिए, आज कुछ ऐसे विशेषज्ञ आए हैं पुंडीर साहब, मेरा आपसे सवाल ठीक है सर हो गया मैं अकेले राजनीतिक ठीक है सर, मैं उनसे भी सवाल कर रहा हूँ, सारे लोग जिम्मेदार हैं, मैंने उनसे अतीक अहमद का नाम लिया कि उनको संरक्षण दिया। मैं पुंडीर साहब जिस
जेल सुपरिंटेंडेंट के केएल गुप्ता साहब ने कहा कि अपनी मजबूरी होती है राजनीतिक संरचना, तो जेल सुपरिंटेंडेंट जेलर अपनी भी तो अथॉरिटी होती है, ये लोग क्यों आखिर दबाव में आ जाते हैं सर? देखिए जो आजकल जो सिस्टम है पॉलिटिकल बॉसेस का जो है वो नेचुरली जो है ऐसा प्रभावशाली नहीं जो पब्लिक के हितों को ज्यादा सोचता हूँ। वो अपने उनके हित अपने होते हैं, उनके पार्टी के हित होते हैं, दूसरे हित होते हैं, जिस वजह से उनके ऊपर हमेशा तलवार लटकी रहती है, उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ट्रांसफर कहा जाता है वो पनिशमेंट नहीं है, लेकिन स्थानांतरण होने पर स्पेशली ऐसी फोर्सेज के मामले में अगर किसी की मजबूरी है तो आप लोग फायदा उठाएंगे क्या? आप लोग फायदा उठाएंगे क्या? ये सरकार बहुत अच्छा सवाल जी, तो ऐसे ही था गुप्ता साहब से बहुत अहम सवाल का जवाब सुनिए। मैं एक बात बताना चाहूंगा, देखिए जैसे प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन बताया कि वीक एडमिनिस्ट्रेशन है, अभी जाके एक पुलिस का एक चीफ बना है उसमें, बाकी सब जेल के अथॉरिटी है। नंबर जैसे इन्होंने बताया बहुत कम है, जेल में जितनी जरूरत चाहिए सिक्योरिटी के लिए, कैमरा वैमरा के लिए, उतने नहीं साधन सरकार मुहैया कराई, वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कहीं नहीं दे रही, ना पुलिस को दे रही, ना जेल को, ना प्रोसिक्यूशन। कैमरा बंद हुआ तो क्यों जेल सुपरिंटेंडेंट ने क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, क्यों उसको करेक्ट नहीं कराया, ये उसके पीछे उसकी उसका छिपा हुआ मोटिव है? एक चीज सुनिए, देखिए जेलर जेलर ने क्यों नहीं कराया, जेल में जेलर ने क्यों नहीं कराया अगर कैमरा खराब था? जेल का पक्ष खाली पड़ा था, इसके पीछे भी यही मोटिव होता है, यही मोटिव होता है भाई। गवर्नमेंट गवर्नमेंट छिपा हुआ एजेंडा होता है, कैमरा बंद कर दो, 20% स्टाफ तैनात कर रखा है, कैमरा बंद ठीक हो सकता है। केएल गुप्ता साहब अपनी बात रखते हैं, जो है वो गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट में है, जेल में करप्शन इसी तरह का होता है, मिलवाई करा दो, कुछ सामान भिजवा दो, ये करप्शन का यही साधन है उनका। पर कुछ तो जैसा उन्होंने बताया कि करप्शन है, कुछ कंपल्शन है कि वो माफिया आकर डरवाता है उनको, आकर के उनके गुर्गे आके पहले आ जाते हैं माफिया के आने से पहले कि भैया इतना पैसा ले लो, सब सुविधाएं दे देना, नहीं ये बताएंगे पुंडित साहब, नहीं तो फिर गोली मार देंगे तुमको, तो वो बेचारा क्या करे बच्चों से। तो करप्शन भी है तो उसमें उसी में शामिल हो जाता है, जैसे आपके हर जगह करप्शन है, पुलिस में भी है और सब जगह है, हर जगह कमा रहे हैं, तो जेल का करप्शन इसी तरह का है, कुछ करप्शन कुछ कंपल्शन। ये भी एक विडंबना है कि सरकार की मान भी रही कि करप्शन है, लेकिन उसको उठाने के लिए कर क्या रही है, कदम क्या उठाए हैं, क्या रोड मैप है, क्या सिर्फ पिछले आकलन या पिछले आंकड़ों की बस सिर्फ और सिर्फ तुलना करना, सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए हैं इस मामले में, बड़ी बहस जारी है, मेहमान बने हुए, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो कुछ और भी सवालों के जवाब लेंगे। छोटा सा ब्रेक। तो सवाल यही है कि मुन्ना बजरंगी की हत्या क्या सोची समझी सियासी साजिश थी? सवाल यह भी क्या उत्तर प्रदेश की जेलों के अंदर भी गैंगवार शुरू हो गया? बात हम जेलों की कर रहे हैं, मैं पुंडीर साहब से एक सवाल का जवाब चाहूंगा, और बल्कि जवाब के मैं उसको जरा समझूंगा जरा कि सरकार की जो लापरवाही की बात घूम फिर के आ रही है, लेकिन चूंकि मैं यहां पर इसको बहुत राजनीतिक बहस नहीं बल्कि मैंने शुरुआत में कहा था कि मैं इसको स्वस्थ बहस बनाना चाहता हूं। सर बागपत जेल में कई अपराधी हैं, ये जानते हुए भी वहां पर डीआईजी जेल का जो पद था वो काफी दिनों से खाली पड़ा हुआ है। सर मेरठ रेंज के डीआईजी का पद खाली है और आगरा रेंज का डीआईजी जो है वही उसका एडिशनल काम जो है उस मेरठ रेंज का काम भी देख रहा है जी। लेकिन ये पद खाली पड़ा है, इसके लिए कोई सुगबुगाहट कभी नजर नहीं आई कभी इस तरीके को लेकर के? अभी तो गवर्नमेंट की आउटलुक है, वो अपने पोस्टिंग करें, आप प्रमोट करें, प्रमोशन करें, डीपीएससी करें जी, ये भी एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं फैक्टर है। नवल जी, जो अगर बात करें डीआईजी जेल का पद इतने दिनों से खाली पड़ा है, ये भी कहीं ना कहीं नवल जी सरकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया है? हालांकि काम चल रहा है, काम चल रहा है, लेकिन नियुक्ति नहीं हुई अभी तक, किसी को प्रमोट करना था, अलग से लाना था। देखिए इस देश इस प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार जुगाड़ से बनती भी है और जुगाड़ से चलती भी है, तो ये सिस्टम चला आ रहा है, बहुत लंबे समय से चला आ रहा है।
मैं बात करना चाह रहा था कि जो लगातार ये बात कही जा रही है कि जो जेल के कर्मचारी होते हैं, अफसर होते हैं, उन पर दबाव होता है। देखिए माफिया, एक जेल में 5-10 माफिया होते हैं। हम ये मान सकते हैं कि उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आपके बस में नहीं है, लेकिन रजनीगंधा वहाँ मिलता है, वहाँ शराब के पाउच मिलते हैं, वहाँ दारू के क्वार्टर मिलते हैं और वो सब तरह अपराधियों को मिलते हैं पैसा देने पे, तो एक जबरदस्त भ्रष्टाचार है। और मैं कहता हूँ कि पुलिस से कई गुना भ्रष्टाचार जेल के सिस्टम में है, जिसको सुधारने की कोशिश ना जेल के लोग करते हैं और ना ही सरकार करना चाहती है, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी करना चाहती है, क्योंकि सबके लोग कभी ना कभी इन जेलों में बंद होते हैं और उनको सुविधा मुहैया कराई जाती है। अब ये जो बहस हम लोग कर रहे हैं, जिसपे डिबेट हो रही है, इसके दो पक्ष हैं। ये जो हत्या हुई है, इसको हमको देखना होगा कि जो पूर्वांचल की जो राजनीति है उसमें जो माफियाओं की घुसपैठ है वो किस तरीके से है और वो किस तरह से अब तक बनी हुई है। देखिए लड़ाई जो शुरू हुई थी, ये मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह के बीच शुरू हुई थी और ये गैंगवार लगातार पनपता रहा और दोनों ही पक्ष के लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज सपोर्ट करती रही और ये लगातार सिस्टम मैच्योर होता रहा। यहाँ तक कि जो राजनीति में होता है कि एक सेकुलर पक्ष हो गया, एक राष्ट्रवादी पक्ष हो गया, इस तरह भी अपराधियों का एक हिस्सा बन गया था, दो हिस्सों में बट गया था और वो अभी तक कायम है। लेकिन इस बीच सवाल यही उठ रहा है कि अपराधियों को तो लगातार कहीं ना कहीं संरक्षण मिल रहा है और क्या यूपी की जेलें अपराधियों की कहीं ना कहीं ऐशगाह बन गई है जहां से वो अपना साम्राज्य चलाते हैं। केएल गुप्ता साहब, आपसे एक सवाल कि जैसा कि नवल जी ने भी कहा कि ये पान मसाला भी जा रहा है, मोबाइल भी जा रहे हैं, आखिर ये कहां से जा रहे हैं? और सर, मोबाइल जैमर की बात तो बड़े शोर शोरों से की जाती है, लेकिन जमाना 4G का है, लेकिन 4G जैमर तो लगे नहीं है। ये तो साफ सी बात है कि लूपहोल्स तमाम सारे हैं सर। हाँ, वही मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के रिफॉर्म्स में सरकार पैसा बिल्कुल नहीं लगाती, इनको नॉन प्लान सब्जेक्ट समझती है। पुलिस है, जेल है, प्रोसिक्यूशन है ना, और कोर्ट्स तक है। कोर्ट्स चाहिए 4-5 गुना बढ़ा दो, क्यों 20 साल तक ट्रायल इसका मर्डर का हो रहा है। 1984-85 से ये मर्डर कर रहा था, ये क्रिमिनल 100 मर्डर या 50-60 तो मर्डर कर चुका है। अब वो एक उनकी पत्नी कह रही है कि साहब मर्डर का डर है, अरे 100 विधवाएं जो बैठी हुई हैं वो रो रही हैं, उनके बारे में डर नहीं था उनको, कि उसके लिए सिंपैथी नहीं थी कि बेचारा वो क्यों मार रहा था और क्यों उसको इनकरेज कर रही थी, कितना एम्पायर उसने बना लिया। तो ये सब चीज़ें सुनी है। तो ये जेल में जो माफियों को बढ़ावा मिलता है उसको पोलिटिकल पैटर्नेस हर तरफ से मिलती है, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। हर मैं 70 में SP था बलिया में और बस्ती में और बनारस पूर्वांचल में, वहाँ पहले गोरखपुर से शुरू हुई है, दो हाई कास्ट के बड़े बड़े लोग थे, नाम नहीं लेता, पर उनको पॉलिटिकल संरक्षण था, एक मंत्री लोग उनको संरक्षण देते थे, उनके घरों में जाकर दिल्ली तक में पहुँच जाते थे, हमने बहुत दौड़ाया तो वहाँ पहुँच गए। तो गोरखपुर से शुरू, रेलवे के ठेके, अस्पतालों के ठेके लेते, अब ये बनारस डिवीजन और आजमगढ़ डिवीजन में फैल गया। तो पूर्वांचल में माफिया बिना पॉलिटिकल पैटर्नेस के कैसे चल सकता है? केएल सर, एक बात है, आप जब अधिकारी रहेंगे तो अपराधी डरते जरूर होंगे। सुनो ना, क्रिमिनल में बता रहा हूँ, SPF मैंने बनाई, जो ये पहला गोली चली है जी, ना, जी। वो हमारे टाइम में चली 98 में। अब मैं बता रहा हूँ कि क्रिमिनल्स को तीन तरह से, मान लो जो मर्डर करने वाला है तीन तरह से उसको सजा मिल सकती है। एक तो कोर्ट सजा दे दे, फांसी दे दे, भाई 50 मर्डर किए एक आदमी फांसी मिल जाती तो छुट्टी हो जाती। अब फांसी वो तो आप देख ही रहे हो 20-25 साल से ऐसे चल रहा है। अगला होता है पुलिस इनकाउंटर हो, तो पुलिस काफी कुछ इनकाउंटर किया है उससे, पर उसके पीछे ह्यूमन राइट कमीशन और फलाने दुनिया भर के कोर्ट्स लग जाती है, तो वो बेचारी अपनी रिस्क लेके करती है। क्रेडिट जरूर गवर्नमेंट ले रही है पर बड़ा रिस्क होता है, पुलिस अधिकारी बेचारा जेल जाता है और उसके दौड़ता रहता है। तो एनकाउंटर तीसरा होता है, माफिया अपने आप ही इंटर गैंग वारफेयर में मारा जाता है, जैसे ये हुआ अभी केस, तो वर्चस्व की लड़ाई है। तो माफिया का अंत तो होना है, दोज़ हू लिव बाय द गन दे डाई बाय द गन, मरना उनको उसी से है, तीन में से किसी सोर्स से मरना है। चलिए, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज उठाई है, मैं पुंडीर साहब के पास आ रहा हूं। पुंडीर साहब, जो नॉन प्लान सब्जेक्ट की बताया, चाहे वो सुरक्षा का मामला हो, चाहे वो स्टाफ की बात हो और चाहे वो CCTV कैमरों की बात हो, चाहे वो संसाधनों की बात हो, लेकिन जो जेल प्रशासन है वो वाकई में कहीं ना कहीं इसी इन्हीं समस्याओं के इर्द गिर्द घूमता रहता है, जूझता रहता है, नहीं लगता सर? और आप तो सर शायद इस समस्या से बेहतर बता पाएंगे, मुझे लगता है। मैं देखिए, यह जो जहां तक जेल का सवाल है, ये बजट तो इसको कभी पूरा मिलता नहीं। जो आपने इंस्ट्रूमेंट लगा दिए उनके मेंटेनेंस के लिए पैसा नहीं मिलता, ना इनके पास कोई टेक्निकल जो है नॉलेज के लोग जेल में तैनात हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स को ठीक करते हैं प्रॉपरली, जो है उनका मेंटेनेंस लगातार होता रहे,
नहीं कोई इनका जो है मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट इनका दिया जाता है। अब आपने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, आपने जो है जैमर लगा दिया, आपने और कुछ लगा दिया, स्कैनर लगा देंगे, लेकिन इनका मेंटेनेंस तो प्रॉपर होना चाहिए, ऑपरेशन तो प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा ये है कि स्टाफ की, जैसे मैंने बताया, स्टाफ की शॉर्टेज नियरली 50% है, नियरली 50% है जी। तो और ये आज की स्थिति नहीं है, ये एक विगत वर्षों से 2012 के बाद से जहाँ तक मेरा ख्याल है सिक्योरिटी गार्ड्स की भर्ती नहीं हुई है जी। और ये लगातार जो है जेलें नहीं बढ़ती जा रही हैं, उनमें कहीं कहीं से मैनेज करके मैनेज किया जा रहा है जी। और दूसरा ये है कि करप्शन का सवाल है, मैं इसे डिनाई नहीं करता, क्यों, करप्शन तो पूरे सिस्टम में विद्यमान है। ये प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं, मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि इसको दूर करना है, और ये बीमारी को दूर करना बेहद ज़रूरी है, पब्लिक इंटरेस्ट में ज़रूरी है। और ये करप्शन एक तो आपका जो है इकोनॉमिक करप्शन है, दूसरा मेंटल करप्शन है। मेंटल करप्शन तो डिफरेंट जगहों पर, मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर जो है कोर्ट्स के कार्यशाला शैली पर टिप्पणी करना उचित नहीं होता, लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा मैं, हमारे यहाँ जो विधायक वगैरह हैं, इन सबको जब सदन चलता है तो इनको अनुमति कोर्ट ने प्रदान कर रखी है कि यहाँ पे आएंगे, भाई क्या जरूरत है इनके आने की। मैं आपको बताता हूँ कि कल्पना राज जी माननीय सांसद थे जी, और तिहाड़ जेल में बंद थे, कोर्ट ने उनको वहाँ संसद में अटेंड करने की परमिशन नहीं दी जी। वो तो जुडिशरी में दो प्रकार का ये जो है व्यवहार कैसे हो रहा है भाई, दो प्रकार की चीजें कैसे आ रही हैं, ये जुडिशरी को सोचना चाहिए। नहीं, अगर जाना भी था पेशी के लिए, मैं इस सवाल का जवाब जरा हाफिज साहब से चाहूंगा, तो कॉन्फ्रेंसिंग भी तो कहना चाहूंगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बिल्कुल इन माफियाओं को पेशी की जानी चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आइडिया सरकार के पास क्यों नहीं आया, इनकी जरूरत नहीं होती है, ये खुद बाहर जाना जरूरी था, मान लिया, रात भर रखा भी, रखने की क्या जरूरत थी रात भर। ये सब ऐसे सवाल है जिसको सरकार को जवाब देना ही है। अब्दुल साहब, ये माफिया खुद बाहर जा रहा है। आलोक जी, मैं इसी बात पे आना चाहता हूं। बिल्कुल, इन्होंने भी जो है, मुन्ना बजरंगी ने बहुत पहले आशंका जताई थी, अभी तक इनकी पेशी ज्यादातर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई थी, इस बार डिनाई कर दिया गया तो उनको ले जाया गया बागपत और उनके साथ ये मसला हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि ये भी एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक तरह से रिफॉर्म होगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी चाहिए, जो भी हाई रिस्क जो अपराधी हैं जिनको ज्यादा खतरा है, क्योंकि देखिए कानून प्रक्रिया से तो उनको गुजारना है, क्योंकि हमारा देश जो है वो संविधान से चलता है, रूल ऑफ लॉ से चलता है, कानून से चलता है, हम कोई कंगारू देश नहीं और ना ही कंगारू कोर्ट्स हैं हमारे, तो हम जो है ना ही हम बनाना रिपब्लिक हैं, तो हम एक सभ्य देश होने के नाते कितना भी खतरनाक क्रिमिनल क्यों ना हो, हम उसको एक कानून व्यवस्था से गुजारते हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से उसको गुजारते हैं। हालांकि ये प्रक्रिया बहुत धीमी है, मैं मानता हूं, लेकिन इसी जब है तो है, इसी प्रक्रिया से हमें उनको गुजारना है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात की है, चलिए, बहुत एक अच्छी बहस चल रही, स्वस्थ बहस, क्योंकि कल से आज तक यही चल रही कि सियासी साजिश किसकी है, कौन हो सकता है, लेकिन हमने आज शुरुआत में कहा, कई बार इस चीज को कहा कि एक अच्छा पैनल बुलाया। ब्रजेश सौरभ जी से मैं एक सवाल, बहुत जिम्मेदारी वाला, सर जैसा कि पुंडीर साहब ने और केएल गुप्ता साहब ने भी कहा कि बहुत सारी दिक्कतें हैं, चाहे वो स्टाफ की कमी हो, मेंटेनेंस को लेकर के, और जो दबाव है, पॉलिटिकल प्रेशर है, आपके सामने दिक्कत अब सामने आ चुकी है सामने, अब आप किस तरीके से इनको शॉर्ट आउट करेंगे, समस्या का समाधान करेंगे, ताकि ये सवाल मैं इसलिए भी कर रहा हूं कि सरकार की तरफ से आप अपना बयान रख रहे हैं, बात रख रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं इस तरीके की घटनाओं की आने वाले समय में पुनरावृत्ति ना हो। बहुत जिम्मेदारी वाला सवाल है सर, इसीलिए मैंने आपसे सर किया। आलोक जी, बहुत ही जिम्मेदारी से मैं संजीदगी से जवाब दे रहा हूं। आदरणीय केएल गुप्ता साहब और पुंडीर साहब की बात से मैं पूरी तरीके से सहमति व्यक्त करता हूं, एग्री हूं, लेकिन आप इस चीज को समझिए कि हमारे राजनीतिक पक्ष को भी देखिए, हमारी भी व्यवस्थाएं होती हैं। जब हम सत्ता में आते हैं तो जो ढांचा हमको मिला रहता है उसी ढांचे को आगे प्रोलॉन्ग करना होता है। बदल डालिए ना, किसने रोक रखा है सर, अब तो सब पावर है ना। आलोक जी, पावर का मतलब ये थोड़े है कि हम सिरफिरे की तरीके से सारा आमूल चूल जादू की छड़ी है और एक मिनट में सब कुछ बदल डालेंगे। ग्रेजुअली, क्रमशः, धीरे धीरे चीजों को, जैसे अभी एक बात आई कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से फैसला क्यों नहीं होता, कई अपराधियों के, मुन्ना बजरंगी से लेकर के मुख्तार अंसारी, सब का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रहा है, लेकिन कहीं पर बाध्यता होती है, जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या सुविधा नहीं लागू हो पाती तो ऐसे ही मजबूरी में करना पड़ता है। मेरा एक न्यू इंडिया की बात करते हैं, बैठे बैठे कहीं जाकर के विदेश से जाकर के उद्घाटन कर देते हैं, और आप यहाँ पे क्या बाध्यता होगी, ये कौन सी ऐसी मजबूरी हो सकती है सर, सवाल कुछ गले नहीं उतर रहा सर। संसाधनों का अभाव एक बहुत बड़ी चीज, डिजिटल इंडिया के जमाने में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, किसी से कहेंगे वो हंसेगा सर, मजाक करेगा। सुनिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रक्रिया चल रही, डॉक्टर केएल गुप्ता साहब ने भी माना, पुंडीर साहब ने भी माना, और हमारे साथी बगल में इतने बड़े बड़े उद्घाटन हो जाते हैं सर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। मेरा कहना है सर, मेरा पक्ष आ जाने दीजिए, मेरा ये कहना है कि चल रही ग्रेजुअली हम चीजों को कहीं ना कहीं रेनोवेट कर रहे हैं, उनको अप्लाई करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रक्रिया में है, लेकिन इतना बड़ा प्रांत,
जिसमें अगर दुनिया के 14 देश की आबादी और क्षेत्रफल मिला लिया जाए तो अकेला उत्तर प्रदेश है। अगर इतना बड़ा प्रांत है तो उसको करेक्ट करने में समय चाहिए और करेक्शन का ही परिणाम है। एक मिनट, मैं इसको अन्यथा कोई नहीं लेगा। अब कम से कम जो अब हम ये नहीं कर रहे हैं कि इसको जस्टिफाई कर रहे हैं इनकी हत्या को, लेकिन जो अपराधी, अच्छी बात बता, कैमरे के सामने लोग आपको सुनना चाह रहे, सुनिए, लेकिन लेकिन हाँ। अपराधी जो आज ये कहते थे कि अब चलो बेल तोड़वा करके चलते हैं, ऐश करते हैं, वो अपराधी बाहर ही रहेंगे और इनकाउंटर का शिकार होंगे। चलिए, जिन अपराधियों की बात की मैं, केएल गुप्ता साहब, अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद, मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद, मुख्तार अंसारी और बबलू श्रीवास्तव सरीखे, अब जो माफिया, उनकी नींद जरूर उड़ गई होगी कहीं ना कहीं। जी हाँ, हर माफिया में डर तो हमेशा उड़ नहीं गई, ये हमेशा उड़ी रहती है, डरे रहते हैं, इसीलिए वो जेल छोड़ के एक जगह जहाँ सेफ रिफ्यूज मिल जाता है उसको छोड़ा नहीं चाहते, वहाँ उनका अपना एम्पायर चलने लगता है, तो उसको छोड़कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह के द्वारा वो करते रहते, नहीं जाना चाहते, वहाँ सेफ फील करते, क्योंकि उनको डर बना हुआ है, क्योंकि उनकी गलत काम हो रहे हैं भाई, गलत ठेका ले रहे हैं, गलत लोगों को मरवा रहे हैं और सब दुनिया भर के जो गलत काम कर रहे हैं, तो बाहर जो राइवल्स हैं, जो उनसे द्वारा इफेक्टेड हैं, औरतें हैं, विधवा हैं, जो विक्टिम्स हैं, वो उनसे तो उनको डर रहेगा ही। मैंने जब बताया था, दोज़ हु लिव बाय द गन दे डाई बाय द गन, अल्टीमेट एंड तो इन सबका यही होना है। आज की डिबेट का बहुत अहम सवाल है, वरिष्ठ पत्रकार के पास आ रहा हूं। सर, जब मुन्ना सिंह की पत्नी सीमा सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पति के एनकाउंटर का अंदेशा जताया था, तो सरकार की नींद क्यों नहीं खुली, फेल्योर कहां पर है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या यूपी कोका जैसे कानून और पुलिस के ऑपरेशन क्लीन के बावजूद पूर्व और पश्चिमी यूपी के माफिया गठजोड़ बनाकर काम कर रहे हैं, नहीं लगता सर? जी नवल सर, देखिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा गठजोड़ है, और आपको जेलों की हकीकत ये है कि बॉम्बे मुंबई में जो जमीनें हैं, जो वहाँ बिल्डर्स के विवाद हैं, वो उत्तर प्रदेश के जेलों में माफिया सुलझाते हैं, वो हिस्सेदारी तय करवाते हैं, जिसको मांडवाली कहते हैं, तो पूरा सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त है, और ये सबके संज्ञान में है, पुंडीर साहब भी जानते हैं, केएल गुप्ता साहब भी जानते हैं, ब्रजेश जी भी जानते हैं, और अब्दुल हफीज साहब भी जानते हैं, ये पूरा सिस्टम चरमराया हुआ, कहीं ना कहीं हम इसको एक्सेप्ट किए बैठे हुए हैं, इस सिस्टम को अपनाए हुए बैठे हैं, तो इसमें एक बहुत बड़े रिवोल्यूशनरी काम करने की जरूरत है जेलों को स्थिति सुधारने के लिए, और वो कोशिश सरकार को ही करनी होगी, सरकार की मंशा होगी, तभी स्थिति सुधर सकती है। आप खुद ही बता रहे हैं कि छोटी छोटी जो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, जो हम बैठे बैठे घर से मोबाइल से कर सकते हैं, वो तक तो सुविधा दे नहीं रहे हैं, तो जानबूझ के इसको पर ध्यान नहीं दिया जाता है, इसको जो ढांचा में सुधार होना चाहिए उसकी कोशिशें नहीं होती है, और सरकार के एजेंडे में वो चीजें होती है जिससे उनको वोट मिलता है या उनका वोट कटता है, तो उन्हीं योजनाओं पे, उन्हीं कार्यक्रमों पे पॉलिटिकल पार्टी भी लगती है, तो इससे तो यही लग रहा है कि सरकार के एजेंडे में ये सब चीजें हैं नहीं। चलिए, समय कम है, बस एक एक मैं फाइनल कमेंट में, सबसे पहले पुंडीर साहब आपसे, जो समस्याएं हैं उनको क्या लगता है कि सरकार को शुरुआत कहां से करे, क्योंकि सरकार को भी बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए, सरकार ने इनिशिएटिव लिए हुए हैं, और जहां तक मेरी जानकारी है, करीब 3600 सिक्योरिटी गार्ड्स के पदों की भर्ती के लिए उन्होंने भी अध्याचन भेजा हुआ है, अधिकारियों के लिए भी अध्याचन भेजने की प्रक्रिया में है शायद ये, और लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, ये जो है जेलों में जो है ये जो कंट्रोल करने की बात है, ये केवल जेलों से ही नहीं, जुडिशियल सिस्टम पर भी देखना पड़ेगा कि जो माफिया वगैरह जेलों के अंदर बंद हैं, इनके केसेस का निस्तारण बेहद बहुत तत्परता से हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएं, जो कुछ भी करें, लेकिन उनका तत्पर निस्तारण करके उनको सजा मिलनी हो, जो कुछ करना हो वो उनका तत्काल हो जाना चाहिए। इससे जैसे कि ये जेलों के अंदर रह करके ये जो आता है कि ये जेलों के अंदर रह कर अपना जो है अपराध संचालित कर रहे हैं, दूसरे काम कर रहे हैं, ये इन पर जो है प्रतिबंध लग सके और जेल उनके जो है सुरक्षित पनाहगार न बन पाए। जी, बहुत सही बात आपने, जेल उनके सुरक्षित पनाहगार ना बने। केएल गुप्ता साहब, एक फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि आपने बहुत तमाम सारे सवालों के जवाब दिए। मैं यही कहना चाहूंगा कि क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स में और पैसा गवर्नमेंट लगाए और खासकर कोर्ट्स का नंबर बढ़ाए, कि तुरंत बेल हो जाती, कहती है जेल इज एन एक्सेप्शन, बेल इज ए रूल, तो तुरंत तो बेल, चाहे जितने मर्डर करे, 50 मर्डर के बाद भी बेल पे है कोई आदमी,
तो ऐसे सिस्टम में किसका विश्वास रहेगा? तो एक तो ये हो, दूसरा नंबर ऑफ कोर्ट्स कह रहे हैं 5-6-10 गुना बढ़ा दीजिए, नंबर ऑफ कोर्ट्स कम है तो ट्रायल कम से कम 1-2 साल में खत्म हो जाए जैसे विदेशों में होता है, तो ये सब अपने आप प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएंगी। असली बात है उसी में है, नंबर ऑफ ट्रायल कोर्ट्स बढ़ा करके अगर 2 साल में सजा दे दोगे, 1.5-2 साल में, तो सब कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप देखिए फास्ट ट्रैक की बात की जा रही है। चलिए अब्दुल साहब से एक सवाल का जवाब, क्या मुन्ना बजरंगी की हत्या से सूबे में फिर से गैंगवार की शुरुआत होने जा रही? देखिए मैं समझता हूं कि इस तरह की आशंका जताई जा सकती है और सरकार को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि पहले भी सरकार को इनपुट मिल रहे थे और सरकार जो है सतर्क नहीं थी और इस तरह की घटनाएं हो गई। मैं एक बार जल्दी से कहना चाहूंगा, यहां फास्ट ट्रैक कोर्ट के बढ़ाने की बात की जा रही है। प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री जी नहीं थे तो 2013 में उन्होंने कहा था कि जितने भी अपराधी किस्म के राजनेता हैं इनको 1 साल के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर जो है इनके फैसले कर दिए जाएंगे, लेकिन आज 4 साल हो गए ना इसकी कोई बात होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने बाद में अपना जो जजमेंट था उसको अमेंडमेंट भी किया, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने चाहिए और जितने भी ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं इनका केस जल्द से जल्द होना चाहिए, तभी इनकी सजा सुनिश्चित हो सकती है। कहा तो योगी जी ने भी था अपराध और अपराधियों के लिए, लेकिन अपराधी जहां जल्दी से जल्द जी अभी जैसे छोटी छोटी बच्चियों पे रेप हो रहा है 12 साल का, आपने ऑर्डिनेंस तो कर दिया कि साहब फांसी की सजा दी जाएगी और 3 महीने में ट्रायल खत्म होगा, 2 महीने में चार्जशीट। भैया कौन सी कोर्ट कर देगी ट्रायल, कौन सी पुलिस हो तो 2 महीने में चार्जशीट करके ट्रायल कर देगी? एक अभी हुआ है मध्य प्रदेश में, उसे शायद लेसन पहुंचे। अगर ये एक्ट हम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, तो उसको इंप्लीमेंट करने के साधन भी मुहैया कराओ कि इतनी कोर्ट्स हो कि 3 महीने में। चलिए अब लगता है मुझे ब्रजेश जी आज की इस डिबेट के बाद अपनी बात जरूर रखेंगे जाकर के पार्टी में, और तभी मुझे लगता है कि आज की लाइव टुडे की ये जो बहस है ना इसकी सार्थकता सिद्ध होगा। क्यों ब्रजेश जी? आलोक जी बहुत मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन यहां पर बैठे अपने पैनलिस्ट लोगों से कहूंगा कि हम लोग अपराध और अपराधी का चिंतन अक्सर करते हैं, लेकिन हमारे समाज में अपराध पनप क्यों रहा है? ये अपराधी बार बार एक एक खेप हर 10 साल बाद 5 साल बाद एक नई जनरेशन। मैं बताऊं आप जो सवाल पूछ रहे हैं इसका छोटा सा जवाब, आप लोग डर नहीं बिठा पा रहे इसलिए पनप रहा है। डर बिठा दीजिए, क्यों मेरे सवाल से सारे सारे अधिकारी सहमत है कि नहीं? जिस सरकार का सरकार को जो सवाल चाहिए मैं दे रहा हूँ जवाब, डर बिठा दीजिए, डर बिठा लिए का काम कर रही है। इनकाउंटर पर हाय तौबा नहीं मचनी चाहिए और किसी भी अदालत से ये नहीं कहा जाना चाहिए कि यहाँ पर निरपराध लोगों को और मानवाधिकार आकर के बीच में आए, कहे कि अपराधी पुलिस वाले अपराधी हैं। ये कहना बंद किया जाए, समय बहुत कम है। ये भाई चलिए भाई काम गुप्ता साहब जल्दी से दीजिए, भाई काम किया जा रहा है। हर चीज जो है वो संविधान सम्मत हो तो सही। काउंटर जो है शॉर्ट टर्म मेजर से फियर ऑफ पुलिस नहीं होना चाहिए, फियर ऑफ लॉ होना चाहिए, सजा मिलेगी। चलिए नवल जी, नवल जी एक सवाल जी, उनकी सरकार क्या अब जेल के अंदर से एनकाउंटर करेगी? नवल जी एक फाइनल कमेंट। जी हाँ, देखिए ये जो हमने कहा ना कि जो वोटों के लिए सब कुछ होता है वो बीच का रास्ता निकाला जाता है कि ऐसे वो मैसेज चला जाए कि ये हो गया वो हो गया। होना ये चाहिए कि किसी अपराधी को अगर 1-2 साल के अंदर सजा मिल जाए तो कितने दिन वो अय्याशी करेगा जेल के अंदर? 2 साल अय्याशी करेगा, उसके बाद फांसी चढ़ जाएगा ना। लेकिन हमारा जो न्यायिक सिस्टम है वो बहुत बुरी स्थिति में है और जेल के सिस्टम की आपको स्थिति पता है, पुलिस के पार इतना काम का दबाव रहता है, कहां सब कुछ करे, तो बीच का एक रास्ता निकाला जाता है, कुछ लोकप्रिय तरीके के डिसीजन लिए जाते हैं और देश ऐसे चल रहा है। चलिए सवाल यही है कि देश ऐसे चलेगा और सिस्टम का आखिर कब तक यूं ही ये सरकारें और ये अधिकारीगण कब तक रोना रोते रहेंगे, बड़ा सवाल ये। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप बड़ी बहस में आए, बहुत एक स्वस्थ बहस की, बहुत अच्छी चीजें हमने आज जानी। तो सवाल यही है कि देश की कानून व्यवस्था का सवाल है, अगर इस तरह की कानून व्यवस्था है हमारे देश का, एक अपराधी दूसरे अपराधी की हत्या जेल के अंदर कर देता है, तो मैं ऐसी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता हूं। नमस्कार।